नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं फरीद अहमद। गोरखनाथ थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी व चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर अभियुक्त के निशानदेही पर चोरी का सोने का जेवरात बरामद किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि 16 मार्च को अभियुक्त राजीव कुमार वर्मा उर्फ राम पुत्र राम लखन वर्मा निवासी रामनगर चौराहा थाना गोरखनाथ को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जिला कारागार गोरखपुर से पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशानदेही पर उसके किराए के मकान से चोरी किए गए 1019.50 ग्राम सोने के जेवरात पर बरामद किया गया, जिसको दोबारा जेल भेज दिया गया है। बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में गोरखनाथ थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक गोपाल यादव, कांस्टेबल दीपक सिंह यादव, अशोक कुमार यादव, सूर्यदीप कुशवाहा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना गोरखनाथ क्षेत्र में 13 फरवरी 2023 को एक ललन नामक व्यक्ति को राजीव कुमार वर्मा नामक व्यक्ति ने यहाँ पे सोना खरीदने के नाम पर यहाँ बुलाया। उससे 1019.50 ग्राम सोना यहाँ पे मंगवाया गया और उसके बाद में उस व्यक्ति को मंदिर के दर्शन के बहाने वहाँ लेके गए और पीछे से उसके घर से वो सोना गायब कर दिया। इस संबंध में थाना गोरखनाथ पर उसी दिन अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद में पुलिस राजीव कुमार वर्मा, जो कि ओरिजिनली खजनी का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में थाना गोरखनाथ क्षेत्र में ही किराए के मकान में रहता था, उसी किराए के मकान पर ही ले जाके उन्होंने ये सोना है वहाँ से साफ किया था। उसके बाद में यह व्यक्ति यहाँ से दिल्ली चला गया और दिल्ली से पंजाब चला गया और फरार हो गया। इसने अपने सभी मोबाइल और तमाम जितने भी गैजेट्स हैं कम्युनिकेशन के सब अपने परिवार के साथ बंद कर दिए और इसको लगा कि 10-15 दिन मैं शांत रहूँगा तो उसके बाद में शायद पुलिस पीछा छोड़ सकती है। लेकिन गोरखनाथ पुलिस ने इसके जब सर्विलांस में ये जब फेल हुआ तो उसके बाद में पता चला कि इसकी सोशल मीडिया पर भी प्रेजेंस है। इसकी टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम कि दोनों आईडीज़ जो ये यूज़ करता था उसके आधार पर पुलिस ने उसका आईपी एड्रेस ट्रैक करने के बाद में अच्छी पुलिसिंग दिखाते हुए इस व्यक्ति को के दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने सराय रोहिला पे उतरने की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी। दिल्ली पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए सहयोग किया एवं इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गोरखपुर पुलिस इसको ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ पर थाना गोरखनाथ लेके आई। उसके बाद में माननीय न्यायालय ने आज उसको पुलिस कस्टडी रिमांड पे दिया था। उस पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान इस व्यक्ति ने अपने घर में ही किराए के मकान में वहीं पे ही सोना छुपाना बताया और 1019 ग्राम, 1 किलो 1.5 ग्राम सोना बरामद किया गया इसकी कस्टडी से। उसको मुख्य प्रयोजन इसका सोना चोरी करने के पीछे ये था कि ये अपनी बेटी को जो 12वीं में पढ़ रही है इसके बाद में इसको विदेश भेज देना चाहता था और इसके बाद में खुद भी उस बेटी के पासपोर्ट वीज़ा लगने के बाद में पीछे यह भी वहाँ भाग जाना चाहता था और कनाडा में सेटल होना चाहता था। इससे पूर्व में भी इस व्यक्ति पर दिल्ली में भी एक फ्रॉड का मुकदमा दर्ज है एवं यह व्यक्ति गोल्ड ट्रेडिंग में करोड़ों रुपए हार चुका है। थैंक यू। इस व्यक्ति को इस नाते बुलाया गया कि यह व्यक्ति पिछले 8 साल से मिस्टर राजीव वर्मा है, ये पिछले 8 साल से दिल्ली में गोल्ड का काम करता आया है तो इसने दिल्ली के ही किसी जो सोने के व्यापारी हैं मिस्टर ललन उसको इस झांसे में लाया और यहाँ पे गोल्ड डिलीवर करने के नाते व्यक्ति आया था एवं उसको बहला फुसला के उसके पास से इतना सोना है और चोरी करके। थैंक यू। इस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से 25,000 रुपये की इनाम राशि है वो इनको दी जाएगी एवं ये बहुत ही उल्लेखनीय एवं शानदार कार्य है और इस पुलिस को मुझे लगता है अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा भी नवाजा जाएगा। थैंक यू।